संत निरंकारी मिशन सिरोही ने परम पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर गुरु पूजा दिवस मनाया। चमन कृष्णा नेत्रालय सिरोही में नेत्र शिविर के आयोजन के साथ, सफाई अभियान के साथ, सामूहिक रूप से श्रमदान के साथ गुरु पूजा दिवस मनाया। ये एक अच्छी शुरुआत है, ये समाज में एक अच्छा संकेत है। राजकीय चिकित्सालय सिरोही से सेवानिवृत्त डॉक्टर सुनीता थरेजा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ ने जहां पिछले 16 साल से सिरोही में अपनी सेवाएं दी, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद में इस तरह के सेवा कार्यों में जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये अच्छी बात है। हम एक देख रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन के श्रीमान राजेंद्र सिंह जी तोमर साहब और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस तरह के प्रेरणादायी कार्य करती है। त्रिदान महादान की बात हम करते हैं, अंधता अभिशाप है इसकी बात भी हम करते हैं, और सेवा धर्म सर्वोपरि इसकी बात भी हम करते हैं। आज सेवा समर्पण सादगी और सत्कार का एक सामूहिक दृश्य हमने देखा। यहाँ वो सभी भाई बहन जो इस सेवा कार्य के माध्यम से परम पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस को गुरु पूजा दिवस के रूप में मना रहे हैं, कुछ लोगों के नेत्र परीक्षण हुए, कुछ लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया, कुछ लोगों की निशुल्क जांच की गई, जरूरतमंद को दवाई भी दी गई, और इस तरह से एक सेवा का कार्य, सेवा का प्रकल्प हमने देखा। राजेंद्र सिंह तोमर साहब जो संत निरंकारी मिशन के सिरोही के प्रकल्प में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन्होंने एक प्रयास किया कि जरूरतमंद को नेत्र परीक्षण होना चाहिए। डॉक्टर सुनीता थरेजा और इस मिशन के जनक यहाँ के सिरोही के श्रीमान तोमर साहब से जब सिरोही टेम्पल्स देवनगरी के देवदर्शन ने बात की, तो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए गुरु भक्ति के प्रति, और डॉक्टर थरेजा जी ने अपने उस कर्म प्रधान कर्मण्यवादी का रास्ते की बात कही। उन्होंने कहा कि वो जब तक जिएंगी तब तक इस नेत्र परीक्षण के माध्यम से, नेत्र सेवाओं के माध्यम से अपना कार्य करती रहेंगी। क्या कहा उन्होंने? आज हमारे साथ संत निरंकारी मिशन के प्रमुख कहेंगे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी तोमर साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, और यहाँ कई दर्दी हैं जो आँख दिखाने आए हैं। डॉक्टर सुनीता थरेजा जी हैं जो इसी राजकीय चिकित्सालय सिरोही में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद सिरोही की सेवाओं में जुट गई हैं। आज यहाँ शिविर चल रहा है, निशुल्क नेत्र शिविर चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और दो संत और चिकित्सक दोनों मिल गए ऐसा लग रहा है। तोमर साहब, आप क्या कहेंगे, आज का क्या है प्रयोजन और किस तरह का आपके भाव ख्याल, संक्षिप्त में बताएं। प्यार से बोलिए। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु पूजा दिवस का कार्यक्रम
पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे से बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर 23 फरवरी को ये कार्यक्रम जो होता है इसमें वृक्षारोपण और सफाई अभियान का कार्यक्रम जो है ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में भी ये किया जाता है, जो समाज कल्याण के कार्य है, जो मिशन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आज आपने इसको नेत्र शिविर से जोड़ा है, लेकिन अभी जो सदगुरु का आदेश आया है, कि हम सभी सेवकों के लिए आदेश मिला है कि जहां सुबह आज वृक्षारोपण और सफाई अभियान भी किया गया, तो अभी आज दिन में फिर दो बजे से लेकर पाँच बजे तक ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा ये निःशुल्क नेत्र शिविर जो है पूरे हिंदुस्तान में लगाए गए हैं। करीब 350 जो है ये शहरों में ये फ्री नेत्र रोग शिविर जो है यहाँ पर लगे गए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी जी जी, जी। तो ये उद्देश्य यही है कि सभी इस संसार के अंदर आए हैं तो इन आंखों से सुंदर संसार को देख सकें। जय हो। ये संसार सुंदर नजर आए और इस तरह से समाज कल्याण का जो कार्यक्रम है ये बाकी विश्वव्यापी लेवल पर ये चल रहा है और ये जो कार्यक्रम है ये निरंतर निरंतर आगे भी ये चलता रहेगा। और अभी जो 2 साल से COVID-19 के कारण जो है सत्संग और ये समाज कल्याण कार्यक्रम कुछ रुके हुए थे, लेकिन अभी सद्गुरु का आदेश आया है कि ये कार्यक्रम अभी खुल जाएंगे और 27 दुगनी गति से करेंगे। जी 27 फरवरी से अभी सत्संग कार्यक्रम भी जो है ये नियमित जो चल रहे थे ऑफलाइन शुरू हो गए हैं। ठीक है ठीक है, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको। मैडम प्रणाम आपको। सेवाओं का जज्बा आपके अंदर है, उम्र बाधा नहीं है, परिस्थितियां बाधा नहीं है। आपने जिस ऊर्जा से 16 साल सिरोही की सेवा सिरोही चिकित्सालय में रह के की, लगता है वही ऊर्जा आपके अंदर आज भी मुझे दिख रही है। मैं आपका असिस्टेंट रहा हूँ राजेंद्र नरुका। क्या कहेंगे आज आपके इस शिविर के बारे में? संत निरंकारी मिशन के द्वारा कल मुझे शाम को बोला गया राजेंद्र जी तोमर के द्वारा कि यहाँ कैंप लगाना है, तो मैंने तुरंत स्वीकृति दे दी। जी जी। और 2 बजे से कैंप चालू है और उनकी जो चश्मे के नंबर हैं, जांच है, दवाइयां हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं, प्लस ऑपरेशन के लिए जो भी आगे इनकी गाइडलाइन होंगी। बोलो संत निरंकार जी की एक बार जय बोलेंगे। बोलिए।